क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अननोन एक्स इन द फॉलोइंग। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी सी डी ई एफ ये कुछ पार्ट्स मिले हुए हैं और उन पार्ट्स में जो ना हमें एक फिगर बनी हुई मिली होगी, तो उस फिगर में से हमें सिंपली जो ना वो एक्स को मालूम करना है। तो अब फिगर में देखें कि हमें दो लाइंस मिली हुई हैं और उनकी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, वो है पी, जो कि आउटसाइड द सर्कल है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेकेंड लाइन है और ये दोनों सेकेंड लाइन जो ना एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा आपस में वो बराबर होगा। तो पहले हम जो है ना वो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद सी से लेके पी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ए और पी इनका डिस्टेंस हमें मिला हुआ है 12 और बी और पी का डिस्टेंस हमें मिला हुआ है 4। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस पूरी लाइन का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। वही सेम हमने यहाँ पे लिखा है अब कि मेयरमेंट ए पी लाइन मल्टीप्लाई मेयरमेंट बी पी लाइन। अब दूसरी लाइन में भी देखें तो सी पी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डी पी से, तो जो इस लाइन का मुकम्मल डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा। तो हमने इसकी भी पॉइंट्स ले ली, मेयरमेंट सी पी मल्टीप्लाई मेयरमेंट डी पी। तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइन जो ना वो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी। तो इस वजह से हमने इन दोनों लाइंस की जो डिस्टेंस है उसको हमने बराबर कर दिया। अब सिंपली हम इनकी वैल्यूज़ रखते जाएं तो ए और पी की वैल्यू जो हमें मिली हुई है वो देखें तो 12, तो ए पी की वैल्यू हमने 12 रखी और उसके बाद बी और पी की वैल्यू 4 और उसके बाद सी और पी, तो सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें 8 मिला हुआ है और डी और पी उसको हमें मालूम करना है, उसकी जगह हम एक्स रखेंगे। तो यहाँ पे अब इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें, 12 मल्टीप्लाई 4 48 हो जाएगा और उसके बाद 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं तो सिंपली 8x के साथ मल्टीप्लाई है, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ये 48 से जाके डिवाइड होगा और x की वैल्यू हमें सिंपली मिल जाएगी क्योंकि 8 जो है ना वो 48 को डिवाइड करता है 6 टाइम, तो x की वैल्यू जो है ना हमें मिल जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था, अब हम इसका जो बी पार्ट है उसको देखते हैं। तो अब बी पार्ट में देखें, जो हमें फिगर मिली हुई है उसमें भी हमें जो आउटसाइड द पॉइंट पी है उस पर ये दोनों लाइन जो ना वो इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब कि ए पी और सी पी का जो डिस्टेंस है वो आपस में बराबर होगा। तो अब हम जो ना पहले ए पी का डिस्टेंस मालूम करें तो सिंपली क्या करेंगे, ए और पी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद बी और एक्स को भी और उसके बाद बी और पी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक और बात नोट करें कि पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें जो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस था वो हमें अलग मिला हुआ था, अब हमें जो ना ये ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमें अलग नहीं मिला हुआ, वो हमें इसके अंदर ही मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, बी और पी के डिस्टेंस को ए और बी के डिस्टेंस के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास ये ए और पी का मुकम्मल जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। तो अब देखें तो हमने सेम पहले क्या किया, मेयरमेंट ए पी उसको मल्टीप्लाई किया मेयरमेंट बी पी के साथ, तो उसके बाद अब सी और पी में आ जाएं तो सी और पी में भी हम सिंपली सेम ही करेंगे कि पहले हम सी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सी और पी की मेयरमेंट लिखेंगे और उसके बाद डी और पी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी मेयरमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सी और पी हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे भी सेम जैसे हमने ए और पी में देखा कि ये दोनों डिस्टेंस जो है ना वो इसके अंदर ही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी सी और पी का डिस्टेंस जो है ना वो इसी के अंदर ही है। तो हम सिंपली सी से लेके डी तक और डी से लेके पी तक का डिस्टेंस जो है ना इसको हम प्लस करेंगे तो हमें सी और पी का जो मुकम्मल डिस्टेंस है वो भी मिल जाएगा। तो अब हम इन वैल्यूज़ को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो पी की वैल्यू हम कैसे हासिल करेंगे, एक्स प्लस 8 और उसके बाद बी पी की वैल्यू हमें सिंपल मिली हुई है 8 और उसके बाद सी पी में भी देखें तो इसका हम डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, सी को प्लस करेंगे 10 में और डी पी का डिस्टेंस जो है ना वो हमें मिला हुआ है।
तो अब सिंपली यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 8 जो ना वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 मल्टीप्लाई एक्स 8x, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। प्लस की निशानी हम सेम रखेंगे, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो 6 प्लस 10 16, और 6 जो ना वो मल्टीप्लाई में सेम रखा। तो अब यहाँ पे देखें ये प्लस का 64 जो ना वो इस तरफ आके माइनस होगा, और 6 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। तो 8x इज इक्वल टू 96 माइनस 64। तो अब उसके बाद 96 में से हम 64 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 32, और लेफ्ट हैंड साइड पे 8x हमने सेम रखा। अब ये 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 32 से डिवाइड होगा और x इज इक्वल टू 4 हमें मिल जाएगा। तो अब सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में भी हमें जो ना एक फिगर मिली हुई है, और उसमें हमें सिंपली दो लाइंस मिली हुई हैं। तो अब ये दोनों लाइंस जो ना वो सेकेंड नहीं है, एक लाइन इनमें क्या है टेंजेंट है, और दूसरी लाइन इसमें क्या है सेकेंड है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स को देखें, तो पी टी लाइन में देखें हमें जस्ट एक लाइन मिली हुई है, तो हम इस लाइन को इसी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पी टी की मेजरमेंट का सिंपली क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास एक टेंजेंट है। अब जो हमारे पास दूसरी सेकेंड लाइन है उसको देखें तो वो हमारे पास लाइन क्या है सिंपली पी बी ए। तो पी बी ए को हम देखें तो हमारे पास पी से लेके ए तक का डिस्टेंस मिला हुआ है 12, जो कि आप देखें तो हमें अलग से मिला हुआ है, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट 12 लिखेंगे, और बी से लेके पी तक का डिस्टेंस हमें 3 मिला हुआ है। तो अब हम ये डिस्टेंस जो ना वो मल्टीप्लाई करके इस पी टी स्क्वायर के साथ इक्वल करेंगे, तो मेजरमेंट पी टी स्क्वायर उसके बाद इज इक्वल टू मेजरमेंट ए पी मल्टीप्लाई मेजरमेंट बी पी। अब इनकी वैल्यूज़ इस्तेमाल करें तो पी टी की वैल्यू हमें एक्स मिली हुई है, उसका स्क्वायर करेंगे, ए पी की वैल्यू हमें 12 मिली हुई है वो हमने रखी, और उसके बाद बी पी की वैल्यू हमें 3 मिली हुई है वो हमने रखी। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इस दोनों साइडों पे जो ना स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो ये क्वेश्चन नंबर सी। तो ये सी पार्ट जो है ना वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम जो है ना डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो डी पार्ट में सिंपली हमारे पास देखें क्या मिला हुआ है कि एक हमें दो लाइंस मिली हुई हैं सेम सी लाइन की तरह, कि पी और टी जो है ना वो हमें सेकेंड मिली हुई है, पी और ए जो है ना वो एक सेकेंड लाइन है, और पी टी जो है ना वो हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है। तो हम टेंजेंट लाइन को जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पी टी का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड को हम पहले से मालूम करके आ रहे हैं तो वही सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो अब पी से लेके ए तक का डिस्टेंस हमें अलग से मिला हुआ है, और पी से लेके बी तक का डिस्टेंस हमें एक्स मिला हुआ है, तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली पी टी का स्क्वायर किया हमने और उसको बराबर ले लिया ए पी की मेजरमेंट मल्टीप्लाई बी पी की मेजरमेंट। तो पी टी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ए बी की वैल्यू 9x और बी पी की वैल्यू x। तो अब इनको सॉल्व करें तो 12 का स्क्वायर ले लेंगे 144 आ जाएगा, और 9x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 144 से डिवाइड होगा, तो 9 की टेबल 144 पे 16 टाइम लगती है। एक्स स्क्वायर जो है ना हमें 16 मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब जो है ना हम इसका ई पार्ट देख लेते हैं। तो ई पार्ट भी हमारे पास सिंपली सेम ही सी और डी के तरीके से है कि हमें एक टेंजेंट लाइन मिली हुई है, और दूसरी जो है ना हमें सेकेंड प्लस टेंजेंट लाइन मिली हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, पी टी का स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये जस्ट टेंजेंट लाइन है, और पी ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी पी से। तो यहाँ पे हमारे पास पी ए का जो डिस्टेंस है वो इसके अंदर मिला हुआ है, तो हम पी बी और बी ए को प्लस करके जो है ना वो पी ए की मेजरमेंट में शो करेंगे। तो सिंपली सेम हम उसी तरीके से फार्मूला बना लें इसका, की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें तो पी टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और ए पी का और ए पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 13x प्लस 5, और उसके बाद बी पी की वैल्यू हमारे पास सिंपल मिली हुई है 5, तो हमने 5 ले लिया। अब उसके बाद पहले इसका स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं तो 100 आ जाएगा, और 5 इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रेकेट में, तो 5 मल्टीप्लाई 3 15x, 5 मल्टीप्लाई 5 25। अब ये प्लस का 25 है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 25 75 मिलेगा,
और यहाँ पे देखें 15 जो है ना वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये जो है ना वो 15 से जाके डिवाइड होगा 75 पे। 15 की टेबल 5 टाइम लगेगी तो एक्स की वैल्यू हमें सिंपली क्या मिलेगी, 5। अब जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट एफ देख लेते हैं। तो अब एफ में हमारे पास सिंपली क्या है कि एक सर्कल है और उस सर्कल पे जो है ना दो टेंजेंट्स लाइन हमें गिवन है और उन दोनों टेंजेंट्स लाइन की जो आउटसाइड पॉइंट है वो सेम है। अब देखें तो यहाँ पे पी से लेके आर तक का डिस्टेंस और पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस हमें मालूम करना है। तो पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस हमें मिला हुआ है बट पी से लेके आर तक का डिस्टेंस हमें जो ना वो मालूम करना है। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि दोनों ये जो लाइन्स हैं वो टेंजेंट्स लाइन है, तो टेंजेंट्स लाइन और उनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल वो सेम है। तो ये दोनों जो लाइन्स हैं इनका डिस्टेंस भी आपस में बराबर होगा क्योंकि इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आउटसाइड द सर्कल सेम है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे कि टेंजेंट्स पी क्यू एंड टेंजेंट्स पी आर मीट एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल सो दे मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। मेयरमेंट पी क्यू लाइन इज इक्वल टू मेयरमेंट पी आर, मेयरमेंट पी क्यू की वैल्यू 13 और पी आर की वैल्यू एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी 13। तो यहाँ पे जो है ना हमारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कर दें।